तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी छात्र देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का जो 2020 का मैथमेटिक्स क्वेश्चन आज पूछा गया है 7 फरवरी 2020 को, मैं अब इसके सब्जेक्टिव पोर्शन का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप में से सभी स्टूडेंट लगभग 15,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख चुके हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने विजिटर्स को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल सर और आप देख रहे हैं CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। अगर आप भी चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो और एग्जामिनेशन पेपर के सॉल्यूशन एग्जामिनेशन होने के बाद, तो आप हमारे चैनल CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पे मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन देता हूं क्वेश्चंस का, ना कि किसी वेबसाइट से मैं ऑब्जेक्टिव का उठा के आंसर और आप लोग को दे देता हूं। मैं यहां पे डिटेल्ड सॉल्यूशन करता हूं, तो सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैंने अपने नॉलेज से यहां पे पूरी तरह से की है बच्चों के लिए। तो अगर आपका सेट जी नहीं है, अगर आपका दूसरा सेट है, तो केवल क्वेश्चन नंबर ही आगे पीछे होते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन नंबर अगर आपका सेट नंबर जी के अलावे कोई है, तब भी आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कहीं ना कहीं आगे पीछे होके मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सेक्शन बी में यहाँ पे हम आ चुके हैं। अगर आपका क्वेश्चन इसके मतलब कहीं आगे पीछे है, दूसरा सेट होगा तो क्वेश्चन आगे पीछे होगा। वीडियो को अंत तक देखें, किसका कितना आंसर आ रहा है पता चल जाएगा और कितना आपका मार्क्स आ रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में भी आके बता सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स हैं और इसमें हमको एक्स का वैल्यू आस्क कर रहा है। तो सबसे पहले 3 से गुना करते हैं, 3 × 1 = 3 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 × 1 = 3 माइनस 4 × 2 = 8। ठीक है, तो 3 और 3 पॉजिटिव में था, कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को उधर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस में, 8 इधर कर दिया तो 8 इधर प्लस में। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमको 8 का रूट करना पड़ेगा, तो 8 का रूट हो गया प्लस माइनस 2√2। तो अगर आपका इसमें आंसर प्लस माइनस 2√ आया है तो जल्दी से आके कमेंट कर दे कि यस सर मेरा पहला सही है, और वीडियो को भी देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक इंटीग्रेशन था और इसका वैल्यू हमको निकालना था, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 − cos² x लिख देता हूं, नीचे मैं 1 + cos x को ऐसे ही लिख देता हूं, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही लिख देता हूं, बराबर इंटीग्रेशन। अब 1 + cos² x को मैं a² − b² के रूप में डालूंगा, तो a + b यानी 1 + cos x, 1 + cos x और फिर 1 − cos x यहाँ पे टूट जाएगा, a² − b² और नीचे में फिर 1 + cos x जो पहले से मौजूद था वो इस 1 + cos x को काट देगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हमको करना रह गया 1 − cos x का, तो 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस का माइनस और cos x का इंटीग्रेशन sin x, और चूंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसमें एक प्लस सी कॉन्स्टेंट आएगा, तो इसका हमारा आंसर हो गया x − sin x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये LPP का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें केवल एक ही व्यवरोध दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ लिखाता है ऊपर में, स्केल ग्राफ वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बनाया है ताकि वीडियो भी जल्दी आपका ख़त्म हो और आप इसको समझ भी जाएँ, आंसर भी मिला लें। तो यहाँ पर जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर यहाँ पर सारणी बनता है, सारणी भी आप बना सकते हैं, और सारणी बना के यहाँ पर मैंने ग्राफ को खींच लिया है। ये वाई एक्स को 0 = 4 पे और एक्स एक्स को 4 = 0 पे काट रहा है, और जो छायांकित क्षेत्र है वो आप यहां पे देख सकते हैं AOB, ये छायांकित क्षेत्र है जहां पे हमको 3 बिंदुएं मिल रही है, 0 0 0 4 4 0। अब हम क्या करते हैं कि जो बिंदुएं हमें मिलती है, हम उन बिंदुओं पर बारी बारी से जेड का मान चेक करते हैं। सबसे पहला बिंदु 0 4 को मैंने यहाँ पुट किया, एक्स का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 4, तो ये 0 हो गया, 4 × 4 = 16, यानी जेड का वैल्यू यहाँ पे आया 16। ठीक है, जेड का वैल्यू यहाँ पे 16 आया। अब फिर देखिए 0 4 पुट करने के बाद मैं 4 0 पुट करता हूँ, तो 4 × 3 = 12 और ये 0 खत्म हो गया, तो जेड का वैल्यू यहाँ 12 आएगा। और उसके बाद फिर 0 0 एक बिंदु यहाँ पे है, तो 0 0 जब हम यहाँ पुट करते हैं, एक्स का मान 0 और वाई का मान 0, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा आता है जेड बराबर 0। तो अधिकतमीकरण यानी अधिकतम मान पूछ रहा है, तो इसका अधिकतम मान हो गया 0 4 पर जेड बराबर 16, यानी बिंदु हमारी हो गई 0 4 और मान हो गया इसका अधिकतम मान 16। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन नहीं बनाए हो, कोई दूसरा क्वेश्चन बनाया, तो मैंने सारे का आंसर यहाँ पे कर दिया है, आपने जो बनाया है आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक ए वेक्टर का मोड दे दिया है 2 और बी वेक्टर का मोड दे दिया है 3, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू है 4, तो हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 4 है, तो a × AB cos θ, इसका फॉर्मूला होता है AB cos θ का वैल्यू 4,
ए का मान 2, बी का मान 3 और कॉस थीटा बराबर 4, ये 2 से 2 कट गया, 4 कट गया, दो बार का कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 2/3। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है मोड का, वो होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो रूट ओवर ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू 2 था, ए का स्क्वायर 4, बी का वैल्यू 3 था, बी का स्क्वायर 9 माइनस 2 का 2, ए का वैल्यू सॉरी 2ab का मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू 12 लिख दिया है, 2ab 2 × 4 तिया 12 और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से 2/3, ये कट गया 4 बार का, 4 × 8 9 × 4 = 13 में से 8 गया 5, रूट ओवर 5 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है इंटीग्रेशन 2 से 3 dx/x cos x log x। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन मैंने इधर करके रखा है, तो i का वैल्यू दिया हुआ इंटीग्रेशन 2 से 3 dx/x log x। अब हम मान लेते हैं log x का वैल्यू z, log x का वैल्यू जैसे ही z माना तो dz इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया log x का डिफरेंशिएशन 1/x × dx। अब dx/x जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे dz में कन्वर्ट हो जाएगा, तो i को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 से 3 dx/x के बदले हमने लिख दिया dz, और ये जो log x है बटा में उसको मैंने लिख दिया z, तो 1/z का जो इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया log mod of z, और उसके बाद फिर z का जो वैल्यू हमने log x डाला था तो log log x हो गया, 3 का वैल्यू पुट हुआ, फिर माइनस में 2 का वैल्यू पुट हुआ, log 3 माइनस log 2 का वैल्यू हो गया log 3/2, तो फाइनली आंसर हमारा हो गया log log 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये एडजॉइंट निकालने कह रहा है, तो देखिए इसका प्रोसेस होता है, पहले A11 निकालते हैं, A12 निकालते हैं, तो अगर आप बनाए हैं तो जरूर है कि आपका प्रोसेस यहाँ पे आपको पता होगा। मैं इसका आंसर करवा देता हूँ, इसका आंसर होगा 4। देखिए मुझे आता है लेकिन वीडियो लंबी हो जाए। अब देखिए अगर आप बनाए हैं ऑप्शन का ये से पूरा सेट है, अगर आप बनाए हैं तो कन्फर्म है कि आपके पास नॉलेज होगी, तो जिस तरह से आपने बनाया है वो आप जानते ही हैं, आपको केवल आंसर मिलाना है कि कितना इसका आंसर आया होगा। तो इसका आंसर आया है 4 - 3 और -1 और 2, ठीक है, 4 - 3 - 1 और 2 इसका आंसर आया है 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैंने यहाँ पे फिर से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए जो दिया हुआ है सदिश, उसका डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक कोज्या पूछ रहा है, इसका डायरेक्शन रेशियो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 - 4 और 12, और फिर इसका रूट निकाला है तो इसका रूट आ गया +-13, तो डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए 3/+-√13, ये -4 है तो इस पर +- लगेगा, तो ये -+ हो जाएगा, -+4/13, यानी कि अगर इसको प्लस में लेते तो ऐसे लेना है 3/13 - 4/13 = 12/13, और अगर माइनस में लेना है तो -3/13 + 4/13 = -12/13, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें P(a)(b) का मान ज्ञात करने कह रहा है, 2 P(a) = P(b), इसका वैल्यू दिया हुआ है 5/13, P(a)/2 का वैल्यू दिया हुआ है 2/5, तो हमको P(a)(b) निकालने के लिए कह रहा है, तो हम सबसे पहले P(a) का वैल्यू लिख लेते हैं, P(a) का वैल्यू हो गया 5/26 हो गया, और उसके बाद P(b) का वैल्यू हो गया 5/13, P(a)/b का वैल्यू हो गया 2/5 जो कि दिया हुआ है। अब P(a)/b का मैंने वहाँ पे फॉर्मूला लिखा है P(a)·b/P(b), और इस फॉर्मूला से हमने P(a)/b का वैल्यू 2/13 निकाल लिया है। आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं, P(a)/b का मान डाल दिया, P(a)·b छोड़ दिया और P(b) का मान यहाँ से डाल दिया, तो 2/13 इसका वैल्यू आ गया P(a)·b का। एक फॉर्मूला होता है P(a)·b इज इक्वल टू P(a)+P(b - P(a)·b a·b, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने वैल्यू इसका ले आया 11/26। तो अगर आपका भी मान 11/26 आया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर a। अब आप देख सकते हैं कि a का ट्रांसपोज जो है कैसे निकलेगा, तो 3√3 2 जो है, जो पहला पंक्ति में है वो पहला स्तंभ में आ गया, 3√3 2 4 2 0 जो दूसरी पंक्ति में है वो दूसरा स्तंभ में आ गया, 4 2 0 ए के ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि 3, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 3 4 जो है पहला पंक्ति में वो पहला स्तंभ हो गया, जो दूसरा पंक्ति में वो दूसरा स्तंभ हो गया, जो तीसरा पंक्ति में वो तीसरा स्तंभ हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 3√3 2 4 2 0
तीन रूट तीन दो चार दो जीरो, ये बिल्कुल ए था, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए, यानी कि आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दसवां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स पर पावर छः प्लस वन और ऊपर में थ्री एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स क्यू को यहाँ पे मान लेता हूँ जेड। इससे फायदा क्या हुआ कि जैसे ही हमने डी जेड निकाला, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन हो गया थ्री एक्स स्क्वायर और इसके गुना में हो गया डी एक्स, यानी थ्री एक्स स्क्वायर और डी एक्स जो हमारा इंटीग्रेशन में दिया हुआ है उसका वैल्यू डी जेड हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऊपर में जो था थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स उसको हमने बना दिया डी जेड बट्टा वन प्लस जेड स्क्वायर। अब वन जो था उसको मैंने यहाँ लिख दिया प्लस एक्स पर पावर छः, अब एक्स क्यू को हमने जेड माना है तो एक्स पर पावर छः हो गया जेड स्क्वायर। अब इसका सिंपली फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स जेड प्लस सी। अब टेन इनवर्स जेड के बदले हमने जो वैल्यू माना एक्स क्यू वो यहाँ पे डाल दिया टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस सी। तो दस क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने सबसे पहले आंसर कर दिया है, अभी टोटल बीस का मैंने आंसर यहाँ पे बना लिया है। अब अगर आपको सारे के आंसर चाहिए मैं तोड़ तोड़ के बनाऊंगा, पहले दस का बनाया फिर तुरंत अभी मैं दस का अपलोड और करने जा रहा हूँ, इसके बाद फिर उसके बाद फिर पांच क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस है उसका मैं वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कारगर लगी, अगर लगी कि नहीं वीडियो मेरा सहयोग किया है, सपोर्ट किया है और वीडियो से मुझे फ़ायदा मिला है, तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, वीडियो को लाइक करें। और तुरंत मैं अपलोड कर रहा हूँ 11 से 25 के सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, तो हमारे चैनल पर बने रहें और CWH को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।